हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश नेतृत्व के अनुसार भाजपा जिला प्रशिक्षण शिविर 27 दिसंबर सोमवार को चौहटा स्थित विरात्रा माता मंदिर में प्रारंभ हुआ। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रमुख ललित बोथरा ने बताया कि दोपहर 4 बजे दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम स्वागत, भाषण एवं प्रस्तावना के साथ उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भाजपा का इतिहास एवं विकास पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा के इतिहास तक बारीकी से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कई लोगों के त्याग, तपस्या एवं अनाम उत्सर्ग से पार्टी का आज इस मुकाम तक पहुंची है। 2 सांसद सदस्यों से लेकर 303 तक पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में काबिज है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। हमारा विचार परिवार के विषय पर द्वितीय सत्र में संगठन प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। उन्होंने 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का जिक्र किया। संघ के उद्देश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अनुशासित सांस्कृतिक व्यक्ति निर्माण तथा संगठित समाज के आधार पर देश को परम वैभव तक ले जाने वाला संगठन है। उन्होंने कहा कि इस संगठन की कई शाखाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से कार्य कर रही है। इन सभी संगठनों का विश्वास भारत का प्राचीन राष्ट्रीयता और संस्कृति पर है। एक आत्मा मानवता दर्शन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीयकरण एवं स्वदेशी, इन विचारों का यही सभी संगठन स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी संगठन स्वतंत्र, स्वायत्त एवं स्वावलंबी है, परस्पर बंधुता का मानव भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि विचार परिवार के विभिन्न संगठन जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, विद्या भारती वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्र सेविका समिति, सेवा भारती अखिल, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, विज्ञान भारती सहकार, भारतीय प्रबुद्ध भारती लघु उद्योग, भारतीय आरोग्य भारती अखिल, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, दीनदयाल शोध संस्था, हिंदू जागरण मंच, स्वदेशी जागरण मंच, सेवा भारती जैसी अनेक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1980 से ही इसी नाम से जानी जाती है। द्वितीय सत्र में पूर्व महामंत्री कैलाश कोटड़िया ने व्यक्तित्व विकास पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य देश का स्वर्णगिर्ण विकास है। यह विकास तभी संभव होगा जब इसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि भाव से ही जीवन जीने वाले हजारों लाखों कार्यकर्ता समूचे देश में खड़े हो। आज जो भाजपा के कार्य का विशाल स्वरूप है हमें दिखाई देता है, वह उसी कारण है कि उदार लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपने जीवन को एक दिशा देकर समर्पित भाव से सार्थक जीवन जीने का प्रयास एवं लोक चारण के माध्यम से अंत्योदय के भाव से प्राप्त करने के अर्थक प्रयास से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। व्यक्तित्व विकास सदा सर्वत्र निरंतर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विकास सफल जीने का मंत्र है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। उक्त प्रशिक्षण शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल तथा स्वरूप सिंह राठौड़, जिला महामंत्री संपत बोथरा, बालाराम मूड एवं स्वरूप सिंह खारा, प्रधान रूपाराम सारण एवं मुकेश कोली, जिला कार्य समिति सदस्य, सभी मोर्चे के जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर मेघवाल की रिपोर्ट।